यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में शोभा रियाजी के जीरे एहतमाम प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पर चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। दो रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस में 58 से ज्यादा माहिरीन रियाजी शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब की सदारत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने की। इस मौके पर फैकल्टी मेंबरान, रिसर्च स्कॉलर्स और तलबा बड़ी तादाद में मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क भर से रियाजीदानों, मुहक्किकीन और तलबा को बामानी मुकालमे के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। उन्होंने कहा कि तालीम और मुआशरे की तश्कील में रियाजी का किरदार निहायत अहम है और तलबा के लिए जरूरी है कि वो तालीम के मैदान में रियाजी के इल्म से बसीरत हासिल करे। डैन फैकल्टी ऑफ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अली ने अपने खिताब में खालिस और इतलाकी रियाजी की दोहरी अहमियत को उजागर करते हुए इंसानी इल्म और तकनीकी इख्तिरात को आगे बढ़ाने में उनके ताल्लुक पर जोर दिया। चेयरपर्सन शोभा रियाजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास ने कॉन्फ्रेंस की इफादियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन रियाजी की मुख्तलिफ शाखों में जदीद तरीन पेशरफ्त के बारे में अपनी बसीरत का इश्तराक करेंगे, जिससे शुरका को तहकीकी और इल्मी बसीरत हासिल करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर मुस्तबा, राइट न्यूज़ सरगोधा।